660003 ये आईसी अगर हमारा ख़राब हो जाए तो हम कौन से बोर्ड में से उतारें, या तो नया लगाएं, अगर नया नहीं है तो कौन से बोर्ड में से उतारें। ये है एमआई में Note 5, Note 5 Pro, Note 6 Pro और Note 8 में लगा होता है। ठीक है, हमारे पास एक सेट है ओप्पो का A5 2020, उसका ये WTR660003 नाम का ये आईसी ख़राब हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास एक बोर्ड था Note 8 डेड कंडीशन में हुआ था, उसमें से ये आईसी हमने उतारा है। उतार कर इसको रिवॉल्व करके हम लगा के देखेंगे A5 2020 में वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। इसका काम होता है नेटवर्क के सेक्शन में लगता है, नो सर्विस नो नेटवर्क कवरेज वगैरह की प्रॉब्लम शो होती है, जिसमें से नेटवर्क नहीं आता, उसमें से ये इस आईसी को लगाया जाता है। ये आईसी हमने A5 2020 पर लगाया है और ये कैसे लगाया है, उस वीडियो को देखने के लिए वर्क करता है या नहीं करता है, उस वीडियो को देखने के लिए उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां में जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद या आपके काम आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना प्लीज़ फ्रेंड्स। देखो ये हमने आईसी रिवॉल कर लिया है, पेस्टिंग लगा दी है, पीपीटी लगा दी है, अब हमें इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से रिवॉल हुआ है, अच्छा रिवॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से इसकी बॉल बन गई है। ये देखो हमने इसमें टेप रोल लगाकर फिर इसको लगाया था, अब इसको फाड़ दिया है। अब देखते हैं इसकी बॉलें कितनी बनी है। इसको क्लीन कर देंगे, क्लीन करने के बाद इस पर पेस्ट लगाएंगे थोड़ी सी, पेस्ट लगाने के बाद इसको हम हीट करेंगे। इस पर अब हम पेस्ट लगाएंगे ताकि हमारी जो बॉल होती हैं बॉल वो अपनी शेप में आ जाए, इसलिए इसको फिर से हीट करना ज़रूरी है। अब इस पर हम पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट लगाने के बाद अब हम इसको हीट करेंगे। इसकी बॉल है जो बिल्कुल अपनी शेप में और बराबर बराबर हो गई है, ये बिल्कुल नया जैसा लगता है, जैसे कि नया आईसी आता है वैसा बन गया है।